दोस्तों आज पहली बार मैंने कराया है फुल बॉडी मसाज। लाल टमाटर बड़े मजेदार। वैसे कुछ भी होगा ना तो मुझे इन्फॉर्म करना डायरेक्टली, कोई भी आए ना। तो दोस्तों अभी जैसा शायद मैं सुबह ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, मेरा ये पूरा पेन कर रहा है, अभी भी कर रहा है, पता नहीं या तो स्ट्रेस की वजह से दुख रहा है। तो रचना हल्की मालिश की है ना, और एक टेबलेट भी खाई। तो अभी मैं ठेकेदार अपने प्लॉट पे जा रहा हूँ और देख के आता हूँ कि ठेकेदार को बोला काम शुरू कर दे, सब हमने सॉर्ट आउट कर दिया है, क्योंकि हम कब तक काम रोकेंगे। एक अननोन आदमी जो कि है, पता ही नहीं है कौन है, तो मैंने उसको बोल दिया है कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया, अब काम शुरू करो। तो देख के आता हूँ काम शुरू हुआ है नहीं, है ना। तो देख के आते हैं, उम्मीद है काम शुरू कर दिया होगा उसने, है ना। नहीं किया होगा तो फिर उससे मगजमारी ना हो बस, है ना। चलो आओ, आज काम शुरू हो जाता तो अच्छी बात है। फिर भैया काम शुरू कर दिया ना फिर आज? हाँ कर दिया अभी। हाँ यार, वैसे कुछ भी होगा ना तो मुझे इन्फॉर्म करना डायरेक्टली, कोई भी आए नाम पता ले लेना, तो या तो मुझे बुला लेना, आज मैं छुट्टी पे हूँ, है ना, कुछ भी आता है तो। तो दोस्तों देखो इस तरफ का तो इन्होंने काम कंटिन्यू रखा, जिसलिए ये बड़ा हो गया। हमारी ईंटें इधर की इधर रखी हैं, है ना, है ना, बस यही हाल है। तो भैया काम चल रहा है, वापिस शुरू कर दिया है जो रोक दिया था। अच्छी बात है, ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया और उनको बोल दिया कि अगर कोई आता है तो मुझे बताएं, क्योंकि अभी दो घंटे में तक कोई नहीं आया है ना, किसके खिलाफ क्या है आज खबर करें। तो यही है कि हमने रुका, वेट किया, काम किया और ठेकेदार को बोल दिया जैसे ही कोई आया मुझे तुरंत कॉल कर देना और आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, या फिर है ना हो सकता है तो ऑफिस में देखते हैं, जो भी होता है तो वैसा काम है। अभी तो घर चलते हैं, खाना वाना खा के फिर आते हैं। यही बात है, काम वापस शुरू हो गया। मुझे बहुत टेंशन थी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द हम वो घर बने और हम किराए देना बंद करके उस घर में जाएंगे। दूसरी चीज़ होगी, काम शुरू हो गया, अब कोई आएगा, हो सकता है ना आए, कोई फालतू लोग होंगे तो चलो निकल के टाइम पास करना है या डर ना आने हो गया। पुलिस ने भी यही बोला है और ठेकेदार ने भी बोला कि काम शुरू करो, वापस कोई आए नंबर लो, मीटिंग करो, अननेसेसरी क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। बिना उसके पीछे हम अज्ञात लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, है ना। ऐसे लोग कितने लोग होते होंगे। मैं यही बोला कि भाई नंबर ले लेना, नाम ले लेना, पता ले लेना, जिसके बाद मैं चला जाऊंगा। अभी टीवी चालू करें, मम्मी कर रहा हूं। दोस्तों मावे जी इसके अंदर हैं, चेंज कर रहे हैं और मतलब बहुत मना कर रहे थे, पर ये मेरी तरफ से मालवीय जी के लिए सरप्राइज है। सच में फ्रेंड्स इनको बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत इनको हेड, नेक, शोल्डर, पूरे बॉडी में इतना पेन रहता है लेकिन वक्त ही नहीं है अपने लिए। तो ये समझ लीजिए मैं इनको गिफ्ट दे रही हूँ। मेरी पहली सैलरी आ ही गई है तो मेरी तरफ से इनको गिफ्ट है, ये अच्छे से मसाज कराएं, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाहर निकलो। तो मैंने भी तो लगा रखा है बाहर डिफ्यूजर, तो पूरा रोज ऑन किया करो ना। लिक्विड बढ़ा दो थोड़ा सा। हाँ यार थोड़ा तो माहौल गर्म करेंगे तो कैसे रखेंगे। टेक केयर। तो दोस्तों जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, माता रानी ने सब ठीक कर दिया और आज मेरी सैलरी आई पहली। तो मैंने सोचा मालवीय जी इतना स्ट्रेस में रहते हैं, हम लोग के लिए इतना कुछ करते हैं, मेरे लिए तो करा ही इतने सालों से, 10-15 साल हो गए, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए जो वो अपनी लाइफ में खुद से कभी नहीं करेंगे। जैसे आपको होता है कपड़े खरीदना, जूते खरीदना खुद नहीं करेंगे, तो ये काम भी वो खुद नहीं करेंगे, इसलिए मैंने मंगाया है, बुलवाया है। गाने की आवाज़ आ रही है भैया, रिलैक्सेशन चल रहा है फुल। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, मालवीय जी की सर्विसिंग चल रही है, अच्छी खासी सर्विसिंग चल रही है। तो क्या है, लाइफ में पहली बार करा रहे हो, पता है मैंने कहा मालवीय जी नहीं कराएंगे तो अच्छा वाला बुक किया है कि अच्छे से उनको रिलैक्स फील हो। बहुत ढीला हो गया ये तो, अजीब सी लग रही हूँ ना मैं। और तो क्या कह रही थी मैं, हाँ तो मैंने पूछा, हमने कहा 5-10 मिनट बचे तो चाय बना लेते हैं। मालवीय जी ने तो नाश्ता ही किया था, खाना नहीं खाया है क्योंकि खाली पेट कराना था, तो वो बोल रहे मैं आते टाइम रस्ते में मैंने जूस पी लिया था तो चाय बना देती हूँ, भैया पी लेंगे मैं पी लूंगी। 2 घंटे मसाज सोच रहे हैं दोस्तों, मालवीय जी बिल्कुल चकाचक डिटॉक्स हो रहा है, मालवीय जी का डिटॉक्स हो जाएगा, डिटेन हो जाएगा, सब हो जाएगा मालवीय जी का। कैसा
दोस्तों आज पहली बार मैंने कराया है फुल बॉडी मसाज। नींद उठे ऐसा लग रहा है, नींद आ रही है, इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तीन चार दिन से सोया नहीं ऐसा लग रहा है। हमारी दोस्त देवी आ गई, तो भाई साहब ने बहुत अच्छी सर्विस दी है। अरविंद कंपनी से पहले क्लैप था आवाज में, अरविंद क्लैप था पहले वालों कंपनी। क्या नाम भाई साहब आपका? करण प्रजापति जी हैं, इंदौर से ही हैं, और उन्होंने पुणे से काम किया है, प्लस नोएडा में, गुड़गांव में भी काम किया है। अच्छा, पुराने एक्सपीरियंस और बहुत हाथों में जादू है। अच्छा, रिलैक्स हुआ आपको जो पेन वगैरह हो रहा था? अभी तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि आप दो तीन घंटे बाद नहाना। अच्छा, नहाना और अच्छा लगेगा। गर्म पानी से? हाँ, ऐसी नींद आ रही है जैसे कि कभी भी सो जाओ। सो जाओ, खाना खा के। अब खा सकते हैं खाना? खाना खा सकते हैं ना। एक ट्रीटमेंट हुआ है मसाज, मतलब एक मेडिकेटेड ट्रीटमेंट, ऑयल से ना, पूरे ऑयल थे, अलग अलग प्रकार के थे। अच्छा लगा गिफ्ट? पता नहीं कितने। हाँ, वो तो बकरा गिफ्ट, वो तो मैंने भैया को मना कर दिया था आते ही कि आप नहीं बताओ, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, जैसा आपने मैंने। ठीक है, चेंज कर लो, फिर दो तीन घंटे बाद आना है। ये सही है, मम्मी को लगा बेड खरीद लिया अपन ने। ये सबसे सही चीज है, मैं सोच रहा था इसको कहाँ कराएंगे अपन, खरीद लो इसको। मस्त है यार, कब तक आ जाता है, उनके बैग में आ जाता है। बेड कितना इसमें? मैं आ पाऊंगी? नहीं, वजन है यार, ये लकड़ी का है। बाय। वो बाहर खुलेगा या अंदर खुलेगा? तो दोस्तों नहा लिया है, और बाकी में जो मसाज आज मिली है मुझे, इतना रिलैक्स फील कर रहा है। हालांकि मैं सो जाता तो और अच्छा होता। भाई साहब, बॉडी इतनी लाइट फील कर रही है। यहाँ पे इतना जो पेन होता था या जो भी जॉइंट में पेन थे, अब मैं सजेस्ट तो नहीं कर सकता, पता नहीं कितना महंगा था, मगर वाकई में मज़ेदार था। और चार पाँच दिन जो इतना टेंशन वाला रहा उसका दिए, तो मच नीडेड मसाज थी सच में। लव यू रचना, मजा आ गया। रचना वही बना रही चाय, फिर आपको मिलवाते रचना से। लव यू एक बार। अभी तक ये है हाल है कि जो साइट पे काम चल रहा है, अभी बारिश हुई तो हो सकता मैं गया नहीं देखने, नहीं तो काम चल रहा था। और अभी तक तो कोई ठेकेदार से फ़ोन नहीं आया, और बस फिंगर क्रॉस रखता हूँ, माता रानी से निवेदन है, एक नारियल भी चढ़ाने को बोल दिया है, जितने भी इटों ने टोट के प्रेयर थी सब कर ली, कि अब कुछ ना हो, इतना बहुत है बस। सांसारिक जीवन के हिसाब से इतना बहुत है ना, तो बस। नहीं, कभी कभी स्मूथ लाइट चलते रहना चाहिए जिंदगी, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं आए तो ये अच्छा लगता है। देखो ये चल रही मस्ती, क्या खड़े अपन कहाँ पे, ये पैर वाला पैर फंसा लिए क्या? ओबे तेरी, क्यों इतनी मस्ती? उसके ऊपर, अरे यार लगी तो नहीं। मस्ती खोर रीत है, क्या फितूर सवार रहता है तेरे को। देखना अभी जीत जीत, देखो गीत गीत हटना मत, है ना, पैर रख ले वहाँ पे, खड़े मत होने दे, देख कितना गुस्सा करती हो। पापा मैं देखो, पापा हाँ हो, खड़े हो, पसार ही पे। हाँ देखो बराबरी से, अभी देख कहाँ पैर रख रही है, वहाँ पे ऊपर ऊपर खड़े होना है उसको, यहाँ तो हो गया उसका काम। इस चक्कर में हमने यहाँ से बदल हटा दिया वो टेबल। मस्ती खोल, नीत अच्छा बच्चा है ना, नीत लगी दादा हुई आपको, दादा आप भी अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे हैं, गंदा कोई नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, मस्ती कर रहे हैं। नीत क्या हुआ, मस्ती हो रही? किसने, दीदी ने मारा? सबसे छोटी, हाँ वो भी तो दीदी है ना उसकी, नीत सबसे छोटी है ना, आप सबसे बड़े हो, फिर रीत है और फिर मीत है। मीत आप सबसे छोटे हो? दोनों बड़े आप छोटे हो? हाँ। अच्छा पापा क्या है? पापा बड़ा। पापा बड़ा है? हाँ। अरे उसके ऊपर क्यों कूद रही यार, लग जाएगी कभी उसको। रीत क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मस्ती कुछ कह सकते नहीं इनको, ओलांदो ही हमारी ओलांदो। बहुत तेज चल रही, बहुत तेज चलेगी।
देख देख रही देख आंखों से देख हे भगवान हमारे परिवार को नजर ना लगे यार, ऐसे हम हंसते खेलते रहे। पिछले 3 दिन बड़ा मुश्किल से कटे हैं और अभी हॉरर मूवी देखने की कोशिश कर रहे थे। डांस करो, डांस मीट डांस करो, आप भी करो मीट डांस करो, मीट डांस करो। रीत आप करो। लाल टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े मजेदार, हे लाल टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर बड़े। गीत वो क्या है? चिंतपाक दम दम करके दिखाओ, चिंतपाक दम दम मीत, चिंतपाक दम दम ऐसे करती, देखो ये भी हाथ करती है, मीत ऐसे करो, चिंतपाक दम दम। लाल टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर बड़े मजेदार, ओह टमाटर, हाँ टमाटर टमाटर, हाँ टमाटर। मीत कौन से गाने में डांस करेगा? नाचो 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 नाचो। सौदा खरा खरा उधर देखने लगते टीवी में, ये सौदा खरा खरा, ये सौदा खरा खरा, ये देखो। तो दोस्तों बस भगवान नजर न लगे मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। यार आज का दिन सच में बहुत रिलैक्सिंग था। रचना ने जो मसाज दिलवाई वो तो था ही, बाकी मेंटली जो हम परेशान थे। और अभी तक ठेकेदार के पास कोई नहीं आया, ठेकेदार काम करता रहा। अभी मेरी 8:30 तक बात हुई है, हालांकि काम जल्दी बन गया, मैं 8:30 बजे बांध की, कोई नहीं आया। अब कुछ नहीं होना चाहिए, फिंगर क्रॉस, जय माता दी, और बस ऐसे ही खेलते कूदते हमारे दिन निकले, है ना। क्योंकि हमने किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमारा भी कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी मगर आप लोग हैं हमारे साथ जो इतनी अच्छी प्यारी प्यारी सजेशन दे रहे हैं। एक HRC से थे, उन्होंने सब्सक्राइबर ने कहा कि हमारी पहचान में बहुत लोग हैं, और भी भाग्यश्री जी हैं, और भी दिल्ली से लोग हैं, और इतने फ़ोन आए हमारे पास जिनके नंबर जो कंसल्टेंसी के जब हम करते हैं कुंडली कंसल्टेंसन, तो उनके पास जो हमारे नंबर पहुंच गए हैं, तो उनके सब ऑलमोस्ट सभी के मैसेज आए हैं, फ़ोन किए हैं कि भैया कुछ भी हो तो प्लीज़ हमें बताना, चिंता मत करना, चिंता मत करना। सब ने एक ही लाइन की है, माता रानी है तो विश्वास रखो। और उसी बीच में हमको एक कुंडली की गुड न्यूज़ मिल गई थी कि जो हमने उनको पहले बताया था वो भी सब सही हो गया। तो एक ऊपर वाले का आशीर्वाद ही है कि देखो जो हम नेक काम करना चाह रहे हैं वो होता जा रहा है ना। तो बस ऐसे ही हम करते रहेंगे, आप लोग भी सपोर्ट करते रहें हमको। और अगर आप भी अगर कुंडली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमको इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा फीस हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें कई लोग कहते हैं जिस प्रकार से आप कुंडली देख रहे हो, जो आपके प्रेडिक्शन सही निकल रही हैं, उस हिसाब से आपकी फ़ीस बहुत कम है, ऐसा हमें फीडबैक मिल रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो चलो आप लोग भी अगर बहुत बहुत परेशानी में हो तो ही संपर्क करें, छोटी मोटी परेशानियों को तो नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो जय माता दी, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आज तो एक सब्सक्राइब बटन दमदा है, क्योंकि आज बहुत पॉजिटिविटी है हमारे साथ। जय माता दी।